आम आदमी मरता है, उसका धड़ गायब हो जाए, हाथ मिले, एसपी को क्या लेना देना? जाओ बेटा उस आदमी के घर में, देखो खाना बन भी रहा है कि नहीं। टेल योर एसपी के दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज मोर देन एवरीथिंग। पैसा खर्च करोगे किसके लिए? लोगों को जेल में डाल के? योर एसपी हैज नो करेज टू फेस द कोर्ट। एहसान कर दिया ना सर, सुबह क्यों नहीं एहसान किया था आपने? डीड विद अदर, सॉरी सर। वाह, वेरी गुड मैडम। जरा आप जरा ध्यान से बोलिएगा, मैं अभी सेक्शन 36 ओल्ड सीआरपीसी पे आने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मात्र एएसआई या एसआई से सैल्यूट खाने के लिए वर्दी पहनी हुई है, देन फाइन। आंसर चाहिए मुझे मैडम, आपके हमें धमकाने के लिए बैठे हैं कि साहब एनएसजी देख रही है, एनआईए देख रही है, और आपके काउंसिल हमेशा स्टार्ट करते हैं सर एनएसजी हैड इन्वेस्टिगेटेड, एनआईए हैज इन्वेस्टिगेटेड, बट व्हाट यू पीपल आर डूइंग? आप हम लोगों की पोजीशन को मैलाइन करने के लिए क्यों तुले हैं, विच इज अदरवाइज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट? आपके एसपी को यह समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इस लायक नहीं है, हैज वोकन अप कि नहीं नहीं यार ये तो कुछ मैटर है, और कोर्ट एनआईए और एनएसजी के नाम से डर नहीं रही है। Why every time it is being underlined by your IO? Just wanted to attract the attention of the court. And what about the police department? Actually, just for rescue. Fine. Why you are putting that line with the underline words? के साथ ये देखिए. और आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं पकड़ पाए अभी तक. Exactly, sir. We are trying, but. क्या trying? बताइए ना क्या क्या किया मैं आपको. आप लोगों ने क्या किया ये बताओ. कभी diary खोल के देखी? कभी किसी को डायरेक्शन दिया कि आपका एएसआई जो आके सरकारी वकील को धमकाता है कि बेल नहीं होनी चाहिए, बस यही है मैडम? लाइव चल रहा है, हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया? आदमियों को अपने परिवार वालों, जिन परिवार वालों को अपने डेड बॉडीज, अपने परिवार के डेड बॉडीज भी नहीं मिल पाई, उसके लिए चिट्ठियां चल रही हैं। मैंने किसको बुलाया था सर? एसपी को। कहाँ है वो? भी गायब है। मैं क्या बोलूं, मैं उसी लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। एक्चुअली एक इन्वेस्टर मीट है सर, जिस 20 तारीख को सीएम तो इंटरिम बिल दे। टेल योर एसपी के दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज मोर देन एवरीथिंग। पैसा खर्च करोगे किसके लिए? लोगों को जेल में डाल के? योर एसपी हैज नो करेज टू फेस द कोर्ट। उसके लिए बहाने बनाएंगे कि इन्वेस्टर मीट है, फलानी मीट है, मैं नाम ग्रांटिंग इंटरिम बेल, उसके बाद जब आना उसको आना होगा। एहसान कर दिया ना सर, सुबह क्यों नहीं एहसान किया था आपने? दिखाइए डायरी मेरे को। अपोज करने चले आएंगे, जवाब देने के लिए मुंह छुपाते हैं इधर से उधर। डायरी प्रोसीडिंग दिखाइए मेरे को। आपका वो जो पुराना आईओ था उसने कब किया? 2 जुलाई को टेक ओवर किया था ना? 22 जून को टेक ओवर किया। और मेरा बेल ऑर्डर किस तारीख का है? I just wanted to verify that what action was taken by the IO after passing of the order. Expression of displeasure by this court. Madam, do you have any idea about this case?
Fine. Madam, what is the minimum requirement or the qualification for participating in the auction of the scrap by the OFK? Madam, you may come. Certain amount of जो राशि है सर वो fix करनी है. And, okay. And whether a person requires some registration under some act to deal with the scrap of fired ammunition or not? Sir, there are two provisions actually. One is for general garbage scrap and for another one is for explosive one. जो explosive है सर उसके लिए दो तरह की permission उन्होंने मांगी है और जो general garbage होता है उसके लिए. Hey, we are not dealing with the general garbage. Let us confine to the scrap of fired ammunition, right? And now anybody can participate in the auction proceedings or only licensee can. Licensee, and who has to issue the license? Sir, MSTC की sites पर जब आप auction के लिए जाते हैं, then they will entitle. Okay. Have you seen the license which was issued by the OFK? Sir. Is there any provision that the successful bidder can assign the contract to somebody else? Sir, there is a two different provisions. SOP has been make it clear that they can't make another deal with the other person. Madam, then why that provision has been made in license? Why it has been made in the license? That is what is like we have made it question document actually. Madam, it is a typed document. I am. So there is no question of any questioned document. Actually, the deed between Fahim and Sultan. I am not concerned about the deed between the two co-accused persons. Sir, I am concerned about the license executed between this Global Traders and OFK. Have you seen that document? Sir. Please take out that document. Sir, please even allow my application. आप ये देख रहे हैं पेज 46 पे है. Sir. Otherwise, that is also a part of the case diary. उसमें है. I had seen on the earlier days, someday. It is a part of the case study. So that had been quoted in the earlier order by my lord. Sir, she might not be knowing yes. That what had transpired on earlier occasion. That's why I thought it proper to keep the things as straight as possible so that she may understand the things very quickly. Okay, हमने kangaroo jump लिया ना sir. It may be easy for us, both of us, to understand that, but it may not be easy for her. Have you got the copy of the license? Sir, the first paragraph. Sir. आप इनके उसमें से देख लीजिए वो same है. This deed of license made on this between on behalf of the President of India here in Atna, for commandant on one part and Shri Sultan Ali son of Shri Habib, hereinafter referred to as the contractor, which expression shall include except the context otherwise requires. His heirs, executors, administrators, legal representatives, and permitted assigns of the other part. Sir, what does it mean? Sir, I my understanding says sir ki ye it means ki wo jab karega to uske behalf par jo uske log jaake they can collect the material ye unke liye he cannot make a deed with other. Sorry sir. Wah. Very good. Acha madam, his heirs. Executors, administrators, legal representatives, sir. ये जाके ले सकते हैं। हाँ, actually sir, the procedure is कि जो क्यों ये क्यों इतनी मेहरबानी क्यों मैडम? सर, जो मैंने वहाँ जाके समझा था सर SOP को, तो उन्होंने ये बताया था कि जब हम ऑप्शन करते हैं, so it is for a year, तो हर दिन वो जो फायर करेंगे और जो ammunition होगा कलेक्ट करने के लिए। ये इतनी मेहरबानी क्यों लाइसेंसी के लिए? True sir, but they are in their SOP so. Their SOPs, right? तो आपने उसको क्लीन चिट दे दी? नहीं सर, हमारा इन्वेस्टिगेशन इज ऑन एक्चुअली सर. क्या क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? Put some letters to the. When those letters were written? There is in the case diary article. ले लीजिए. Even we have taken a. When those madam please
let us move day by step by step. When those letters were written, the first letter was written, they sent a reply because they looking to the size of the crater, it appears some big bomb had blasted, which is never supplied by the UFK. Therefore, we are scot-free. This is what they have said. Then, what further investigation was done by you before I took up the issue? My humble submission. No, don't make a humble submission, madam. Just undoubtedly, sir, आपकी direction के बाद ही हमको बहुत सारी चीजें click कर पाते. अच्छा, madam, investigation के लिए हम आपके लिए सहारा दें कि आपको investigation करना है. मैडम जरा आप जरा ध्यान से बोलिएगा, मैं अभी सेक्शन 36 ओल्ड सीआरपीसी पे आने वाला हूँ. अगर आप लोगों ने मात्र एएसआई या एसआई से सैल्यूट खाने के लिए वर्दी पहनी हुई है, देन फाइन, मेक अ स्टेटमेंट, आई विल नॉट पुट एनी फर्दर क्वेश्चन टू यू, राइट? व्हेन ऑन एवरी डे देयर आर्गुमेंट स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट के दैट मैटर वॉज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड बाय NIA and NSG. What superior officers were doing, I will come at a later stage. Now you have made a statement that only when I took up the issue, then you woke up. Sir. Right? Then why you people are regularly making a statement with an underlined words that this matter was also investigated by NSA and NIA and NSG when the senior police officers are not ready to look into the case diary? आंसर चाहिए मुझे मैडम. आप क्या हमें धमकाने के लिए बैठे हैं कि साहब एनएसजी देख रही है, एनआईए देख रही है? अरे आपको नहीं देख रही क्या? और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं उनकी वो भवन से, तो आप हमें कैसे धमका रहे हैं? देखिएगा अपनी कैफियत डायरी की, उसमें पूरी कैफियत में कौन से वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है. दिखाइए जरा कैफियत मैडम को. ऊपर की सेकंड पेज, और आपके काउंसिल हमेशा स्टार्ट करते हैं सर, एनएसजी हैड इन्वेस्टिगेटेड, एनआईए हैज इन्वेस्टिगेटेड, बट व्हाट यू पीपल आर डूइंग? इट इज अनयूजुअल केस, राइट? फॉर व्हाट द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आर सिटिंग, यू 110% राइट ऑन द लास्ट डे. When your so-called IO, he appeared, my first reaction after looking at him was that he will not be able to investigate at all. Because I know it requires some sort of expertise and intelligence, and the blank face which he was having, my first reaction was, ye kuch nahi kar payega. Unfortunately, so-called senior police officers who are under duty as per section 36 to give direction to the subordinates are equally at the same level. High court says, jab tak question marks nahi uthenge, you people will never woke up. That's true. Is it not an alarming situation? It is, sir. But my humble request. But one thing is clear, madam. You are not trying to hide your inefficiency. Sir, I will not record anything. Sir, so kind of you, sir. Just wanted to know, just enlightenment of court, sir. Okay, madam. Fine. I can become an investigating officer, no problem. Sir. Just a minute. Whether the court is expected to act independently or can act as a prosecutor also. What is the role which is expected by a society? I am not talking about the lawyers. Sir. By the society, from a court. Unko pata chal jaye ki court mein charge sheet file ho gayi hai, ab to conviction ho nahi hona hai, chahe kuch bhi karo. Right? Kyunki पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कैसा करना है ये कोर्ट से पूछते हैं और कोर्ट करवाती है इन्वेस्टिगेशन. आप हम लोगों की पोजीशन को मैलाइन करने के लिए क्यों तुले हैं, विच इज अदरवाइज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट. आई हैव नॉट सेड इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इवन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट आइदर टू स्पीक अगेंस्ट यू और अगेंस्ट द डिफेंस.
आपके एसपी को यह समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इस लायक नहीं है। मैं उस आदमी की एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। यू हैव ऑल्सो रियलाइज दैट दिस मैटर रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इट कैन नॉट बी डन। I am least concerned in what manner the investigation is to be done. Only after looking at the orders of the court, if your department has woken up कि नहीं नहीं यार ये तो कुछ मैटर है, और कोर्ट एनआईए और एनएसजी के नाम से डर नहीं रही है। वैसे we are trying कि ये investigation is on and we are asking from so many other agencies also because it's a question of explosive. जब explosive की बात आती है सर तो government agencies के अलावा तो कोई और कर नहीं रहा है इसमें। So, हम देख रहे हैं लेकिन सर अगेन जैसा मैडम आप कुछ नहीं देख रहे हैं। Actually, क्या ट्राई करेंगे जब तक हमने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास नहीं किया बेल का, तब तक आप लोगों को तो लगा था कि हमने कह दिया है कि इनको अंदर कर दिया तो कोर्ट तो अब अंदर करेगी, और एनएसजी का नाम देख के तो बिल्कुल ही डर के मारे अंदर कर देगी। मैडम आप लोग डरते होंगे, एटलीस्ट हम नहीं डरते। व्हाई एवरी टाइम इट इज बीइंग अंडरलाइंड बाय योर आईओ? Just wanted to attract the attention of the court. And what about the police department? Madam, I am not concerned about NSG NIA. If you feel that if the matter has been handled by NSG also, therefore it is a serious matter, then what about you? Tell me. I am asking that question to you, not why you are telling me that it has been done by NSG also. NSG has come just for rescue. Fine. Why you are putting that line with the underline words? Ki sahab, ye dekhiye. और आप क्या कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए। यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कोर्ट कि साहब बहुत सीरियस मैटर है। वो तो मैं थोड़ा सा लाइटर रखने में कहता हूँ कि डरा रहे हैं आपका ये, यू आर एक्सप्रेसिंग इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, राइट? अच्छी बात है मैडम, अपना बिहेवियर बता दीजिए। आपको सीनियर अफसरों को कुछ नहीं मालूम है, आपके आईओ को कुछ नहीं मालूम है, कोर्ट जब ऑर्डर करती तब आप जागते हैं, आप कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर हम भी आपको डायरेक्शन दें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैडम एक दो लाइन का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिख देते आप? इफ यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क टू योर एबिलिटी, देन गिव वे टू सम अदर। मैडम कुछ भी हुआ हो, ऑफेंस हुआ है, बस दैट इज ऑल। आप कुछ नहीं पकड़ पाए अभी तक। क्या ट्राइंग बताइए ना, क्या क्या किया? मैं आपको बोला क्या हुआ जब वो ब्लास्ट हुआ है सर, तो उसके बाद में एनआईए और एनएसजी इज नॉट कॉल्ड बाय आवर डिपार्टमेंट, दैट वाज देयर डिस्क्रिशन टू कम। उनको मालूम था कि इनएफिशिएंट पुलिस है। उसको देखिए सर, सेल्फ उन लोगों ने जो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड वी आर नॉट सपोज टू लाइक क्वेश्चन देम, सो वी आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम देम, दैट्स यू नो एन एजेंसी। मैडम आई हैव नॉट रिपीटेडली सेड अबाउट एनएसजी एनआईए बिकॉज़ I am said repeatedly because you people are trying to project a game. Madam, please read out that KPI. I'm sorry if it is so. Why sorry? On one hand you are saying that you are not concerned with NSG NIA and they had come on their own. We are not supposed to ask them. They are not supposed to grill you, eh? That discretion is not in district level officer, sir, actually. I'm least concerned. It is your internal matter. Whether you are answerable to them or not, it is none of my headache. Don't tell me. एक तरफ आपके लिए so called drama करना कि बहुत serious है, दूसरी तरफ आप खुद admit कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है कि इसमें investigation क्या करना है। क्या क्या किया मैं पूछ तो रहा हूँ मैडम। याद है ना यार सीआरपीसी ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? पुरानी सीआरपीसी दीजिएगा जरा मैडम को। मैडम प्लीज नॉट डोंट टॉक अबाउट दोस एजेंसीज। सर मैं ओएफपी और एयरपोर्ट के बारे में उसके बारे में बताना चाह रही थी जो जिनके पास हमने कम्युनिकेशन किया था सर। मैडम फॉरगेट अबाउट एनआईए एंड एनएसजी। नहीं सर एनआईए नहीं बोल रही मैं, ओएफपी ओएफपी सर जो। हां तो इसका इसलिए हम दोनों छोड़ देंगे ना जो है सर, जहां से हमको सस्पेक्टेड रिकॉर्ड जगह लगा। कोई बात नहीं मैडम, आपको ओएफपी ने कह दिया कि क्रिएटर बड़ा है, likely to be a blast of a bigger bomb. सुनिए सुनिए,
लाइकली टू बी अ ब्लास्ट ऑफ अ बिगर बॉम्ब, तो आप लोग शांत होकर बैठ मैडम देन पॉइंट आउट द व्हाट स्टेप्स यू वर टेकन बाय यू. आपके सर हिलाने से एटलीस्ट आई विल नॉट गेट प्लीज्ड. आप तो ये बताइए किया क्या आपने उसके बाद. और वो जरा लेटर जरा जोर से पढ़ दीजिएगा, वेदर इट वॉज एन अथॉरिटेटिव लेटर और इट वॉज जस्ट जस्ट एन इम्प्रेशन ऑफ द अथॉरिटी हु हैड साइन दैट. ऐसा लगता है कि वो चूंकि क्रिएटर बड़ा हुआ है इसलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बॉम्ब होगा और इसलिए ऐसा लगता है कि जो हमने सप्लाई नहीं किया. नहीं सर, एक जो BDS का टीम का एक रिपोर्ट है सर, वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट को क्लियर कर रहा है सर. उसके बाद जब वो एक्सप्लोजिव क्लियर हुआ था सर, तो वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट दो मेजर एजेंसी जिसपे हमारा डाउट था. एक आमना बैतूल में है सर और दूसरा अपना OFK है सर जो बैतूल. दोनों से बात करके दोनों की SOPs मंगाई थी और उस SOPs में मेंशन की अगर हम ये दे रहे हैं तो सामने वाले का भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो हमको अगर उसमें कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हुआ तो वो रिवर्ट करेगा. दैट इज दिवर. उन्होंने क्या रिवर्ट किया मैडम जरा बता दीजिए. प्रॉब्लम ये है कि हमें रटे हुए हैं केसेस और आप लोग को तो जो हुआ अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज, अब आप लोग तो मजे लेते हो दफ्तर में बैठ के जिसमें लिखा है कि लुकिंग टू द साइज ऑफ द क्रेटर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जो कि हमारे द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है. तो ये ऐसा लगता में उसके बाद आप शांत हो गए. मैडम प्लीज पॉइंट इट आउट फ्रॉम द डायरी. मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, आप वॉलंटरी आए हैं. मुझे 1 जुलाई या 2 जुलाई जब मैंने बेल दी है उसके बाद के लेटर्स नहीं देखने, मुझे उसके पहले के देखने हैं ताकि जो मैं बार बार जबलपुर पुलिस की एफिशिएंसी को क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ताकि अब आपके मुंह से भी सुन तो चुके हैं कि सर ये तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है. बताइए सर आपने क्या लेटर दिए. मामला ने तो सीधा सीधा मना कर दिया था. मैडम देखना पड़ेगा तो जगाना तो हमें पड़ रहा है, उसकी बात क्या कर रहा हूँ. प्रॉब्लम ये है कि आप डिनाई तो करिए तब तो हमें लिखने में मजा आएगा. अच्छा नहीं कर रहा है मैडम, सॉरी. डोंट गिव अ सर्टिफिकेट टू योरसेल्फ. मैडम डायरी में भी CRPC रखते हैं आप लोग. आप लोगों ने क्या किया ये बताओ. कभी डायरी खोल के देखी, कभी किसी को डायरेक्शन दिया कि आपका ASI जो आके सरकारी वकील को धमकाता है कि बेल नहीं होनी चाहिए, बस यही है. मैडम मैं कोर्ट में बोल के तो आप कोर्ट में खड़े होके आप लोग के स्टेटमेंट दूसरे रहते हैं, बाहर नहीं होते जैसे. क्योंकि तो सरकारी वकील तो आपको हमेशा NSG है नहीं यही दो चीजें बोलता, हमसे तो कोई तीसरी बात बोलते ही नहीं आज तक. हाँ होती है ना पड़ेगा. मैडम लाइव चल रहा है, हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया. दुनिया रही है. मैडम माइक पे आ जाओ जरा. वो अगर स्क्रैप खरीदने के बाद कुछ मिसहैप होता है, ओनली परचेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट दे सेलर. दिस इज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट बाय रेफरिंग टू द SOP और लाइसेंस जो भी है. सर जस्ट वांटेड टू शो यू. No problem. इससे आप क्या समझते हो मैडम? Sir, I feel they both are responsible. क्यों? Because sir, explosive के लिए तो permission ही नहीं है. There is no question of permission. Blast तो explosive तो खरीद ही नहीं सकता कोई. Where is the question of license or anything? So forget about the person who has purchased. I am talking about the person who has sold or auctioned. आपका कहना there is a provision in the SOP. Therefore they are above everything. No. Just wanted to know that they both are responsible. Wanted to know why both are responsible? So exclusive license के साथ भी can't sell and purchase. अच्छा. तो मैडम ये ज्ञान आज क्यों आ रहा है? वो भी जब मैंने आपके SOP को criticize कर दिया, तब आप समझ गए कि इसका कुछ तो answer है.
स्क्रैप के नाम के ऊपर ओएफके अगर एक्सप्लोजिव भेजता है तो अकॉर्डिंग टू यू दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. दिस इज व्हाट द रोल, व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द जबलपुर पुलिस. देन व्हाई यू आर रेफरिंग टू द एसओपी. वो तो जब आपने देख लिया कि यार हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो अब आपने वो तुरंत उसका फिर समझना शुरू किया. दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट मैडम. जबलपुर की पुलिस को जगाना पड़ता है ना तो आप फरार लोगों को पकड़ पाते हैं ना आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के. और आप हमको एसओपी का वो कंडीशन दिखा रहे हैं कि दैट ओनली दी परचेजर वुड बी रिस्पॉन्सिबल. एक लाइव डेटोनेटर, लाइव एम्यूनिशन अगर उन्होंने स्क्रैप में बेच दिया वेदर दी परचेजर वुड बी रिस्पॉन्सिबल. उसके लिए भी आपको यहाँ कोर्ट में खड़े होकर आपको समझना पड़ रहा है. दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट मैडम. So what do you want? Tell me about the bail. Sir, we are doing investigation and. Madam, what investigation was done prior to my order? That's true. Nothing was done. Still, you are of the view that it requires a specialized investigation, and the Jabalpur police is incompetent. Because even the additional SP was required to inform that that immunity clause will not exempt the seller in case if a live detonator or a live ammunition is sold by them. Madam, Diwali pe to patakho ki dukanon ko aap log utha utha ke band kar dete hain. Sir, late is it, lekin karwai karne ki koshish. Haan, late nahi, madam. Jab aap log ke kaan mein, are jab aap log ye. जब आप लोग के कान में जब तक ढोल नहीं बजाएंगे तब तक आप लोग तो जाग नहीं रहे हो. नाउ प्लीज मेक अ स्टेटमेंट. आई एम लीज कंसर्न अबाउट द इन्वेस्टिगेशन. मेक अ स्टेटमेंट. व्हाट आर द रीजंस फॉर कीपिंग हिम बिहाइंड द बार. है नाउ आई विल अदरवाइज आई विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मेड बाय हर. Fine. If you people do not know how to investigate the matter, if your senior officers are not in a position to, even they are trying to mislead the court by quoting, misquoting the provisions of SOP with the intention to give clean sheet to the supplier, where the supplier could have, I don't know what the reality is. When the blast took place? 25th of April. So even after three months, you are not in a position whether it was a planted bomb, whether it was an accident, or it was a supply or sale of a live ammunition. Nobody knows. NIAIA sir, NSGIA. वो भी बेचारे शर्म से मुंह झुकाएंगे अपना. Yeah, fairly some. Then why he should be kept behind the bars? इतना आंसर कर दीजिए ना. I am talking about the life and liberty. Please answer that. Bas itna sa bata dijiye. What are the reasons for you to oppose the bail application? Bas itna sa bata dijiye. Ab aapki marzi hai, aapko jo karna kariyega. No. Humko limited chahiye nahi. Humko limited arguments nahi chahiye. Jo change of circumstance Mr. Khare ne day one pe bataya. कि मैंने डायरी क्या बिना सेटिस्फाई किए करवा बुलवा ली थी इसके सिर्फ खड़े साहब अपीयर होने इसलिए डायरी बुला लो. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम वाज दैट व्हाट इज द चेंज इन सर्कमस्टेंस व्हाई यू हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड. हिज सबमिशन वाज सिंस दिस कोर्ट हैज स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चंस देयरफॉर ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉन फाइलिंग ऑफ अ रजिस्ट्रेशन by an institution may go against him
and therefore he relied upon an extra P7, which according to him, he is also an authorized person to deal with the scrap of fired ammunition. Is it not a change circumstance? Please argue. Because his primary contention is that it is the change circumstance. My observation was that a licensee cannot authorize a non-licensee. So what cannot be done directly, it has been done. Now he has come up with a case that he is also a licensee of fired ammunition. Slight difference. Present applicant was having a license plate from the OSK. Sir, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो सेकंड जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन फाइल किया है वो एप्लीकेंट का नहीं है, उसके साथ उसका है एग्रीमेंट किया जी, राइट? क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ओनली अ लाइसेंस होल्डर और अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डील विद द स्क्रैप ऑफ द फायर्ड अम्युनिशन, एंड आप रजिस्टर्ड थे, मतलब एप्लीकेंट रजिस्टर्ड था, इसने अपने नाम पे लेके अनरजिस्टर्ड को डील करने दे दिया, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, इट वॉज डन बाई हिम. नाउ ही हैज कम विद अ केस दैट नो, the person in whose favor the agreement was executed is also a registered and license holder. He is also equally competent to deal with the scrap of fired ammunition. Is it not a change circumstance? Itna sa pehla question. It is a change circumstance. Sir. Change circumstance. My submission to that is that license of the procurement is from the MSTC. MSTC is an agency. Jo sare maine aapse pucha, fir inka jo फिर उसने ये जो तीन चार लाइनें पहले पैराग्राफ में लिख रखी हैं, उसने क्यों किया, वो क्यों एक अनऑथराइज्ड आदमी को डील करने के लिए परमिशन दे दी? ये हियर्स वर्ड. आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन टू मैडम क्योंकि शी मे नॉट बी एबल टू आंसर दैट प्रिसाइसली. हियर्स का मतलब कब होता है? हियर कब पिक्चर में आते हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. Why the word here has been used? मतलब वो लाइसेंस होल्डर मर भी जाए उसके बाद भी उसका खानदान उठा सकता है. They are happy. The police is very happy. No, मुझे इन्वेस्टिगेशन से I am least concerned. I am not supposed to supervise the investigation. So whatever I am putting that is with a view to decide the bail application. If you are happy in giving clean chit to one institution. If you are happy, तो फिर आप कैसे अपोज कर रहे हो जिन्होंने इनको बेचा? बस इतना बताओ मेरे को. I only have a document. Only after passing of the order in the earlier bail, they have issued a letter to the OMK to give the details of the last 5 years for whatever the material has been sold on. उससे पहले नींद नहीं खुली थी. उससे पहले सीनियर अफसरों को पता नहीं था कि कॉम्पिटेंस और इट इज देयर ड्यूटी टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स. उनको तो वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने होते हैं ना सर. इन्वेस्टिगेशन तो एसआई के लेवल का आदमी का काम है. आई विल फाइंड सम केवल एक एक लेटर लिखा गया था एक ओएफके. हां हां, सीनियर ऑफिसर्स का रोल पे आ जाओ. उनको तो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं. आम आदमी मरता है, उसका धड़ंद गायब हो जाए, हाथ मिले, एसपी को क्या लेना देना? जाओ बेटा उस आदमी के घर में, देखो खाना बन भी रहा है कि नहीं. आपको तो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं, आपको तो इन्वेस्टिगेशन देखना नहीं है, सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने नहीं है. मैडम खुद कह रही है कि मैंने उस दिन क्यों कहा था आफ्टर लुकिंग एट द आईओ he will not be able to do anything. uska ye general statement nahi tha ya general observation nahi tha ki is aadmi ko kuch nahi aata. observation jab main shakal dekh ke bata sakta hu ki jo case hai usme ye kuch nahi kar payega. aapke sp ko itni bhi akal nahi thi. wo kahan adhartal thane kahan ka hai? wahan pe ti koi posted nahi hai. डिपार्टमेंट टू द केस
charge actually, sir? He was in charge, yes, but now when he has been posted? अच्छा मैडम एक चीज बताइए, एक और क्वेश्चन है. Can't you hand over the investigation to a police officer who is not posted in that particular police station? कर सकते हैं sir. You can. Even if there is some legal difficulty, why can't you transfer that person to that particular police station? एसपी के हाथ में है ना मैडम, ना तो आपको ढंग का आदमी मिलता है, ना आपको वहां पे ट्रांसफर करने की जरूरत है. आम आदमी मर रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है. दिस इज द एटीट्यूड. दो आदमी मरे ना मैडम, डेड बॉडी पूरी साबुत मिली क्या? आप लोगों को तो कोई तरफ तकलीफ नहीं आती उस परिवार को देखते हुए कि जिसके जिसने अपने परिवार के एक आदमी का हाथ देखा होगा. ये एटीट्यूड है ना पुलिस डिपार्टमेंट का. सो व्हाई आई शुड कीप हिम बिहाइंड द बार, दैट इज द ओनली क्वेश्चन. डू व्हाटएवर यू वांट, टाइम इज बॉदर. Fine, madam, I will record your statement. के सब कुछ नहीं किया हम लोगों ने. Only it was you woke up only after the alarming bell was given by the court. और अभी भी चिट्ठियां लिख के आप लोग खुश हैं. मैडम आप लोग तो आधी रात को लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं उठाने. सुबह 5 बजे घंटी बजती है, बोले पुलिस आई है, चल करते हैं ना. Society. अरे मैडम करते हैं ना. Society only, sir. Not हाँ. The case only. For the case. Sir. और यहाँ जो दो आदमी मर गए जिनको कि जिनके पर. We are fighting this case only. Fine मैडम, जिन आदमियों को अपने परिवार वालों को, जिन परिवार वालों को अपने डेड बॉडीज, अपने परिवार के डेड बॉडीज भी नहीं मिल पाई, उसके लिए चिट्ठियां चल रही हैं. मैडम चिट्ठियां चल रही हैं, आप लोगों को डायरी खोल के देखनी नहीं है. मैडम घूमने के लिए बहुत अच्छा है, अभी तो एक आदमी दुबई भी गया हुआ है. मैडम चले जाइए, दे आर प्रोवाइडिंग यू फुल अपॉर्चुनिटी. आके लिख दीजिएगा हम पूरा घूम के आए, बुर्ज खलीफा भी देखा, ये भी देखा, नहीं मिला, वापस आ जाइएगा. डोंट डोंट से एनीथिंग कि हम यहाँ गए थे. वो आपके तो आप गए जा नहीं पाए. भूल जाइए हम लोग पैदा ही हुए. माई बर्थ प्लेस इज मैडम, माई बर्थ प्लेस इज द हॉस्पिटल ऑफ वाइफ के कमरिया. Sir, then you must be aware, sir, I am aware of each and everything I am telling you. Sir, that is the problem actually. But the problem is the senior officers. Tell me why he should be written behind the bars. Madam, आप बताइए. वो तो कुछ नहीं बता पा रहे. मुझे शौक नहीं है किसी भी senior officer को बुलाने का. Whenever I find that the public prosecutor is not in a position to answer anything, then only I ask the senior officers to know. Sir, I feel that Sultan and Fahim are very good friends. That's why they are running this type of a business, kabadi business, and they are running this business since 2002. Hmm. His forefather was doing the same task. Hmm. And we have a treaty that shows that they have a bonding, common consciousness. Hmm. And again, sir, ki, Sultan is not entitled to give this treaty to other one. Like, ye kaam wo kisi aur ko dene ke liye entitlement. What about that OF case? What about that? Khare sahab ko, he would agree to my observation ki jab when he was arguing the bail application for the first time, the first bail application, maine inse question pucha tha. How you could have assigned your contract to the third person? And then he pointed out that provision. तभी मैं पढ़ी थी सर उसको. तभी पढ़े थे, यही तो problem है मैडम. लेकिन सर फिर भी आपके कहने से at least हमने देखा उसको. ना छोड़िए, क्या करना है आप? Sir, I'm concerned with this case. I can seriously say that. Now you woke up only after the court took a serious note of that. So whether you are concerned or the court is concerned.
Both are concerned because the question of. Don't give a certificate to yourself. Sorry, sir. But I'm seriously trying to invest. Oh, you are seriously trying. तो इंटरिम बिल दे देते हैं दो महीने की, उसको दो महीने के बाद लगा देते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि अगर कुछ इंक्रिमिनेटिंग आता है रिक्वायरिंग दैट ही शुड गो बिहाइंड द बार, सो खारिज कर दे. कस्टोडियल इंटरोगेशन में क्या चाहिए? और आप ये कहें कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल मैनिपुलेट द थिंग्स, तो पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस मत बोलिएगा, टेल मी द रीजंस बिहाइंड दैट. My only submission is ki explosive case mein no question of license or any type of permission, so I think bahut achhi baat hai madam. Abhi aapne humko class 15 padwa rahe the, hum to detail mein likhne wale hain sari cheeze. This is the attitude of the Jabalpur police, that is the difficulty. Humko hamare yahan bolne se pehle sochna nahi hai. और मैडम ये जो है गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर गार्डिंग और प्रिवेंटिंग द रिमूवल ऑफ स्क्रैप बाय अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द रेंज एरिया. आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के हाथ की उंगलियां उड़ जाती हैं, कईयों की डेथ हो जाती है, फाइन, दे आर द इंट्रूडर्स, दे आर नॉट सपोज टू एंटर इन दैट फायरिंग एरिया. हाउ दिस विल दिस क्लॉज विल अप्लाई? इट विल बी द कॉन्ट्रैक्टर्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग सो. However, the government will not remove metal scrap or fired ammunition from the range. How this clause would apply? इतनी सीरियस है पुलिस मैडम, ये खुद ही एडमिट कर रही है कि सर कोर्ट जब बोलती तब हमको पता चलता है. गाइडेंस मैडम, आपको गाइडेंस देना है, आप हमसे ले रहे हैं. और अगर अनिल खरे साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जब आप पुलिस को बता रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो तो हम खारिज कर देंगे, तो सर प्लीज रिक्यूज योरसेल्फ. तो मैं इनके इस स्टेटमेंट को कैसे कहूंगा कि आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं? बस इतना सा बता दीजिए और कुछ नहीं. बड़े मजे की बात है, आप कोर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं हाउ टू इन्वेस्टिगेट. यार वो डिटेल्स लिख लीजिएगा फोन पर, आई विल पास अ डिटेल्ड ऑर्डर, दिस विल बी अनदर फैदर इन योर कैप. आई एम नॉट डाउटिंग योर एबिलिटी. The anxiety is that unless and until the court makes you to work, you people are not interested in the maintenance of law and order. पेपरों में वो भी हमने बंद कराए थे सर इन लोगों के. अरे सर हमने बंद कराए थे, नहीं तो हर रोज जो है एसपी बैठ जाता था एक अक्यूज को साथ लेके, हमने ऐसा कर दिया. सरकारी वकील हमेशा यही कहता है NIA, NSG, NIA, NSG, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं. But for this case, yesterday I was arguing, identically situated 4 persons, they were enlarged on bail, exactly the same, itta allegation tha, ki ghatna ho gayi, uske baad those people went to his place and said ki lash ko jaldi jala, inse log ke khilaf case hai, 4 logon ki bail ho gayi. Kal usme ek bilkul special effort hua, usme additional SP, CSP, the deputy attorney general, my friend was present. Aane chahiye sir, kyun nahi aana chahiye aap? Mere ye samajh nahi aaya, aaj kya special ho gaya, special kuch aur tha. सर देखिए, सर देखिए, बिहाइंड द कर्टेंस इन बिटवीन द लाइंस पे हम जाते नहीं. हम जाते पता कब है सर? जब क्रिमिनल अपील डिसाइड करते हैं, व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड, वेयर आई हैव अ फुल लिबर्टी, फुल अपॉर्चुनिटी एंड फुल ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरप्रेट द सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर मैनर. अभी इट इज टू अर्ली फॉर मी टू गिव एनी फाइंडिंग. वी आर, माय ओनली एंग्जाइटी वाज दैट इफ दे आर नॉट सीरियस, why a person should be kept behind the bars, that is all. ab inhone khud bol diya ki sir specialized investigation hona chahiye. sir serious to bilkul nahi, isliye wo ek line sir aapke liye bola, apna pehle pad chuka hu. it is not the case of the prosecution that it is. malum hai sir,
basically this is their contention. Now today what seriousness is coming up? अरे ठीक है ना सर, मैं अच्छा खरे साहब आपको बताइए क्या मैं प्रोसिक्यूशन से कह सकता हूँ कि तुम आप सीरियसली अपोज क्यों कर रहे हो? मैं ये तो कह सकता हूँ कि गड़बड़ क्या है भैया, चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं तो वो समय भूल गया हूँ जब यहाँ से कोई खड़ा होकर बोलता था कि डोंट रिकॉर्ड माय कंसेशन, बट इट इज द केस ऑफ सर आप हम सवाल वो नहीं है सर, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है देन सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स मे कम इन्वेस्टिगेशन के दौरान। नोबडी कैन मेक अ स्टेटमेंट सर, देयर इज नथिंग। उस दिन की स्थिति तो आप कह सकते हैं ना कि आज की तारीख तक कुछ नहीं, स्टिल वी आर स्टिल गोइंग विद द इन्वेस्टिगेशन। एक अलग बात, इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट हो जाए देन यस अ लॉयर कैन मेक अ स्टेटमेंट साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट दोस केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, द चालान हैज बीन फाइल्ड। वो जब आएगा तब देखते हैं, जब आएगा। ये हमको हमेशा ही कहते थे एनआईए एनएसजी, हमने देख रहा हूं सर कि मेमोरेंडम पे कन्फेशन की बहस होती पूरी की पूरी, और वही बहस होती है आजकल जो ज्यादा देख रहा हूं। दिस व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो कमेंट्स सर, जिस दिन हम एडमिट, जिस दिन हम रिलाय करें उस दिन जरूर कहिएगा। आपकी तरह हमको ऑब्जेक्शन ही नहीं लेना। एक्चुअली ये जब बार बार ये स्टार्ट करते हैं एनआईए और एनएसजी, तो मुझे ये लगा कि जब इतना सीरियस है तो जबलपुर पुलिस सो क्यों रही? तो आज तो एडमिट भी हो गया कि हाँ, अब क्या करोगे उसके बाद? तो फिर क्या करें हम, किस आदमी को जेल में क्यों रखें? या तो ये कहें मेक अ स्टेटमेंट कि सर इट वाज अ डेलिबरेट बॉम्ब ब्लास्ट बाय अ पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ये कहेंगे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दैट हाउ कैन यू कोरिलेट दिस पर्सन विद द पर्सन इन हुज प्रीमाइसेस द बॉम्ब ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस। आता अरे मैं कहता जब ये कहते तब मैं कहता हूं अब जब अभी तक इनका यही है कि सब क्या हुआ, हम क्या करें? चलो धैर्य से अभी रख देना, वो प्रोसीडिंग्स कम समय